अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 126। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जो कि प्रैक्टिकल नंबर 25 होगा। तो आज के इस लेसन में हमने प्रीवियस लेसन में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था जो कि टॉगल क्लैंप हैंडल के नाम से ऑब्जेक्ट था, तो वो हमने 2D ड्राइंग्स में ड्रॉ किया था। आज के सेशन में हम उसको 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि 3D में उसे ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और आपको बताता चलूँ ऑब्जेक्ट इस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। ऑटो कैड को ओपन करता हूँ तो आप बस ये देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इसको 3D में कन्वर्ट करना है। 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से टॉप पर जाता हूँ और SW आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाता हूँ। यहाँ से इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिहाज से मैं इसको करेक्ट एंगल के थ्रू बनाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ से इसको प्रेस पुल कमांड मैंने ली और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ इस साइड पे और इसको ऑफसेट देता हूँ मैं 5, हाइट इसको मैं देता हूँ 5, एंटर करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको टॉप व्यू में लेके जाता हूँ, फाइल में यहाँ से कस्टम में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं इसको एल एंटर करता हूँ यहाँ से इसके मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट से एल एंटर करता हूँ और यहाँ तक। ओके, यहाँ पे मैं सेंटर सी एंटर करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ इसके मिड पॉइंट से, और जो सर्कल देता हूँ वो मैं दूंगा 0.4, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। सी एंटर, 0.5 एंटर। ओके, अब मिरर में कमांड यूज़ करता हूँ, MI एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस और नो no. अब मैं यहां पे इस तरह करता हूं कि एल एंटर करता हूं। ओके, और इसको ट्रिम करता हूं यहां से, TR डबल एंटर करके, इसको TR एंटर करता हूं। ओके, इसको अब मैं मिरर करता हूँ, MI एंटर, इसको सेलेक्ट करता हूँ स्पेस और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इसको मिरर करूँगा। ये मिड पॉइंट है, इसको मिरर करता हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं यहाँ से, सेंटर पॉइंट में, सही। अब इसको डिलीट कर दें। ओके, यहाँ तक ये काम हो गया। अब एक और काम करना है कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से देखें, ये राउंड कॉर्नर है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका ये जो कॉर्नर है ऊपर वाला, ये राउंड है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप यहाँ से राउंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने काम करने के आप यहाँ से कॉपी एच कमांड लें। तो कॉपी एच कमांड आपने लेना है तो उसके लिए आप यहाँ से जी यहाँ पे आप देखें कॉपी एच कमांड है, क्लिक करें इस पर, स्पेस पेस करके सेलेक्ट करके तो थोड़ा सा आप आगे यहाँ से यहाँ तक मूव करके लें। ओके, आर कमांड यूज़ करें, ARC एंटर, और आर्क लेने के बाद अपने इस कॉर्नर से लेके सेकेंड पॉइंट आप लें ये वाला, थर्ड पॉइंट लें आप ये वाला। ओके, अब ये काम किया करने के बाद आप यहाँ से इसको ये जो है इसको डिलीट कर दें। ओके, और अब जो काम करना है आपने यहाँ से इसको SW आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाना है और इस आर को आप इसके ऊपर आपने इम्प्रिंट करना है। तो इम्प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इम्प्रिंट कमांड लेनी है, इम्प्रिंट कमांड में लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इस आर को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, यस ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। और अब मैंने काम करना है जी
प्रेस पुल कमांड लेता हूँ, इसके इस कॉर्नर को यहाँ से नीचे ये, और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दिया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। ओके अब यही प्रेस पुल कमांड लें और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें, और अगर ये नहीं हो रहा, देखते हैं क्या वजह है। तो उसके लिए आप यहाँ से, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये बॉटम में है, इसको टॉप वाली साइड पे आपने लेके जाना है। तो आप इसको मूव करें या फिर आप इसको इम्प्रेस ये कमांड लेके आप इसको टॉप वाली साइड पे खत ले आए। तो मैं इसको देखता हूँ, ये इलास्टिक व्यू में लेके जाकर देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, और अब इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ओके ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, और ये राउंड भी हो गया, राउंड भी हो गया और रेडी भी हो गया। अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप यहाँ से इसको दोबारा यहाँ पे जाएं और उसको फ्रंट व्यू में लेके जाएं। और यहाँ पे अब अपने काम क्या करना है कि एल एंटर करता हूँ मैं, सॉरी मिरर कमांड यूज़ करता हूँ, एम आई एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया स्पेस, और यहाँ से इसको मिरर कमांड अप्लाई करता हूँ। ओके और दोबारा इसको इस व्यू में लेके आता हूँ। ओके कस्टम व्यू के यहाँ से टॉप पे लेके जाता हूँ, और इसको यहाँ से ये ले F7 प्रेस करता हूँ गाइडलाइंस को ख़त्म करने के लिए। और अब जो काम करूँगा वो मैं एक लाइन लेता हूँ एल एंटर, इस पॉइंट से 15 एंटर, इसको ऑफसेट दूंगा ओ एंटर, और ऑफसेट में देता हूँ 5 क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है 5 है, और एल एंटर करता हूँ, एल एंटर यहाँ से यहाँ तक, इसको ऑफसेट दूंगा ओ एंटर कितना 5 है सॉरी 15 एंटर। ओके अब मैं यहाँ पे बी ओ एंटर करता हूँ बाउंड्री के लिए, पिक पॉइंट लेता हूँ और इस बाउंड्री को क्लोज करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और इस ऊपर वाले को ख़त्म कर देता हूँ। ओके इस लाइन को डिलीट कर दिया। ठीक है अब जो काम करना है वो ये है कि मैं इसको मूव करता हूँ एम एंटर, यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करता हूँ। ओके और अब मैंने जो काम करना है वो ये है कि अब देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो आगे से भी देखें राउंड किया हुआ है, आप देख सकते हैं राउंड है, और यहाँ से भी पीछे से भी यहाँ से राउंड है फिलेट है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा मूव करता हूँ, प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, देखता हूँ कितने हैं, बल्कि इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ क्योंकि कंट्रोल फाइल में जाता हूँ, सेव एस करता हूँ उसको, 26 2 3D। ओके अब मैंने इस पर प्रेस पुल कमांड यूज़ करनी है, प्रेस पुल कमांड पर क्लिक करता हूँ, स्पेस इसको 5 देता हूँ मैं 2 की, ओके इसको मूव करता हूँ एम एंटर, इसके मिड पॉइंट से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में इसको रख देता हूँ। इसको भी यहाँ से टॉप व्यू में जाएं
कस्टम व्यू पे क्लिक करें और यहाँ से फ्रंट व्यू में लेके जाएं। टू डी वायर फ्रेम में फिर भी सेंटर में नहीं है, तो मूव करें, एम एंटर, सेलेक्ट स्पेस, इसको इस कॉर्नर में, अब सेंटर में आ गया। ओके, अब इसको दोबारा आपने यहाँ से क्या करना है कि आप यहाँ से इसको फिलेट कमांड यूज़ करें, तो फिलेट कमांड के लिए एफ एंटर, एंटर, रेडियस आर एंटर, कितने जी 0.,0.8 करता हूँ एंटर। जैसे यहाँ से टॉप में जाता हूँ और एस डब्ल्यू एस मेट्रिक व्यू में ले जाता हूँ और यहाँ से अब इसको करूँगा फिलेट करूँगा। तो फिलेट के लिए अपने यहाँ से इसके ओके तो फिलेट करता हूँ, फिलेट के लिए एफ एंटर, एफ एंटर, रेडियस आर एंटर, एफ एंटर, आर एंटर और 0.3, 0.4 एंटर, इसका येड सेलेक्ट किया, स्पेस येड सेलेक्ट किया और स्पेस प्रेस करता हूँ, यहाँ से फिलेट हो गया देख सकते हैं। और अब देखते हैं फ्रंट से भी फिलेट है कि नहीं। यस, फ्रंट से भी फिलेट है, बल्कि फ्रंट से फिलेट भी है और फिलेट नहीं, फ्रंट से आप इसको एम्प्रिंट कमांड ही आपने यूज़ करनी है। तो उसके लिए आपने आर्क लेना है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, कॉपी एच सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, इसको यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ तक आर्क कमांड लेता हूँ, ए आर सी आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, डिलीट कर दिया। एम्प्रिंट कमांड यूज़ करता हूँ, तो एम्प्रिंट कमांड यूज़ की, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया सारे को, स्पेस प्रेस किया, सॉरी एम्प्रिंट कमांड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यस। और अब इसको यहाँ से हमने क्या करना है, प्रेस पुल कमांड की मदद से यहाँ से इसको ख़त्म करना है। प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, ओके हमारा ऑब्जेक्ट ही रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं इसको, रियलिस्टिक व्यू में ले जाता हूँ मैं, देखें सर अपने ऑब्जेक्ट को, देखें तो आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया जी, रेडी है। देख सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको ये ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करना आ गया होगा, और इसके अलावा भी आप 3D कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप ड्रॉ कर सकते होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।